डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस है कोला डिस्ट्रिक्ट में, उसमें औकाफ की भी ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की ऑफिस भी है और उसमें केएमडीसी की ऑफिस भी है, जहां पे माइनॉरिटीज के लिए खुसूसन स्कीम दिए जाते हैं। ये सिर्फ चंद डिपार्टमेंट की बात है, ऐसे हर डिपार्टमेंट में स्कीम्स हमारे पास मौजूद है। और ये तीन डिपार्टमेंट के लिए भी अगर डायरेक्टर माइनॉरिटीज के ऑफिस अगर आप देखे हैं, जा चुके हैं, यहाँ से आपके बच्चों के लिए आपके स्कॉलरशिप हो, लोन्स हो, कर्ज हो, जो भी हो, ये मिलते हैं हमारे बच्चों को फॉरेन जाने के लिए। अगर डिग्री कर लिया है तो उसे फॉरेन जाने के लिए 20 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है, अमेरिका यूरोप जाकर पढ़ने के लिए, उसकी भी अभी अनाउंस किया गया था। अभी टाइम कोर्सेज को अभी वो टाइम है जो बच्चे डिग्री करके बी एमबीबीएस बी ए बीएससी करके पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने के लिए अमेरिका को, कनाडा को, यूरोप को जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उनको 20 लाख का ग्रांट दिया जाता है स्कॉलरशिप फ्री, साल साल को 10-10 लाख रुपए 2 साल के लिए। ऐसे कई स्कीम्स पढ़ने के लिए, नर्सरी स्कूल से लेकर पीएचडी डॉक्टरेट करने तक स्कॉलरशिप मौजूद है। कोई भी कोर्स कर लो आप, हर चीज के लिए है, मौजूद है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की और पिछली गवर्नमेंट की कुछ नाइंसाफियों की वजह से 1-2 साल थोड़ा इस पे प्रॉब्लम आया स्कॉलरशिप देने में, मगर अब इस बार फिर वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जारी कर रही है, कर्नाटक गवर्नमेंट अभी जारी कर रही है, अभी कंफर्म किया गया है। उस जो भी है स्कीम आप जाइए, ये माइनॉरिटी कमीशन की स्कीम नहीं है, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज अलग है। यहाँ से स्कॉलरशिप आप बच्चों को मिलती है, तालीम के लिए हासिल करो, अपने करो, लो इसको। और हर ताल्लुक में एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, कुछ बाहर से भी ताल्लुकों से भी आए होंगे, वहां भी एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहां भी कंप्यूटर्स वगैरह रखकर एक ऑफिस है, दो लोग उस पर काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले हैं, जिन लोगों को ताल्लुक में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से हासिल करें, जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है स्कॉलरशिप के लिए हो, लोन्स के लिए हो, कोई भी हो, वहाँ एक आदमी रहता है जो आपको मदद करने के लिए तैयार है, उसके पास जाकर ये सब काम करा सकते हैं। आपको जाना चाहिए, करवाना चाहिए, शिकायत ना करे कोई, मैं सुनता नहीं है, जाकर आप फोर्स करो, ऐसा नहीं सुनता, हुकूमत से उसको अपॉइंट किया गया है, ये तुम्हारी ऑफिस है, ये तुम्हारा हक है, तुमको जाकर उसको काम निकालना है, उसको गवर्नमेंट से पेमेंट मिल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, यहाँ आकर कंप्लेंट करो, यहाँ नहीं आए तो बेंगलुरु में आओ, धरना करो बैठकर, नहीं सर कैसा नहीं करते बोल के, छोड़ना नहीं है, हमारे हक को लेने के लिए हमको जद्दोजहद करने की जरूरत है, खामोश बैठना नहीं है, नहीं सुनता कोई बात, कोई काम नहीं कर रहा है, आप करवाओ। दलितों को देखो आप, एससी को देखो, डीएसएस वालों को देखो, कोई भी आप इसमें उनके लिए कोई भी काम हो, जाके बैठ के धरना करके काम करा के निकल के आते हैं वहां से। हम क्यों नहीं कर पाते, हम खाली शिकायतें करते हैं, कोई भी नहीं सुनता, पैसे पूछते हैं, करप्शन है, ये है, वो है, ये सब है, सबके लिए भी है, हम क्यों जाकर हासिल नहीं कर रहे हैं। एक आदमी गया कोई सुनता नहीं है, 10 मिलके जाओ कैसा नहीं सुनता, देखोगे कंप्लेंट करने के लिए भी लोग पहुंचे, सुनने के लिए भी लोग पहुंचे, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट भी चुनाओ, कितने लोगों को मालूम है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बोलकर है, पुलिस स्टेशन में गए काम नहीं हुआ, डीएसपी के पास गए काम नहीं हुआ, एसपी के पास गए काम नहीं हुआ, क्या है कहां जाना, एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बोल के इनके खिलाफ शिकायत करने के लिए एक इदारा है, हमें मालूम नहीं, हमें सियासत बनाओ कोई एमएलए को, इनको उनको ढूंढने को जाते, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे हाथ बहुत सी चीजें हैं। अब हमारे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी स्कूल्स आपके हर मोहल्ले में रहेंगे, आंगनवाड़ी स्कूल्स बहुत जरूरी है और यहां से करोड़ों रुपयों की लोगों को मदद मिलती है आंगनवाड़ियों से। आपके मोहल्लों में हर जगह आंगनवाड़ी होंगे, आपकी जिम्मेदारी है, हर मोहल्ले के मुतवल्लियों की जिम्मेदारी है, खुसूसन गरीब मोहल्लों के वहां के बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, वो इन आंगनवाड़ी को जाए देखें, वहां गरीब बच्चों के लिए खाने का पीने का, उनकी छोटी मोटी तालीम का, बड़ी तालीम तो नहीं होती, बस उनकी तरबियत छोटी सी होती है, मगर खाना पीना दवाइयां न्यूट्रिशन दूध अंडा बच्चों के लिए सब कुछ वहां दिया जाता है।
हर गरीब बच्चे को वहां जाकर लेकर दाखिला दिलाना चाहिए। दस चंद घंटों के लिए रखते हैं, खाना दोपहर का खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं उनको, गवर्नमेंट सब मिलता है, हमारे बच्चे जाते नहीं है, हम कुछ जानते नहीं उसके बारे में। और गरीब और खवातीन के लिए जो गरीब मोहल्ले में रहती है आंगनबाड़ी में, हामिला होने से लेकर बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे की उम्र एक साल के होने तक माँ को पूरा उसे 9 महीने तक अच्छी गिजा एक टाइप का पूरा खाना उसे आंगनबाड़ी से दिया जाता है। माँ को एक साल तक 9 महीने तक हामिला की पूरी मुद्दत पे उस आंगनबाड़ी से उसको खाना देना है, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना, दूध अंडा वगैरह सब मिला के। हामिला औरतों को, गरीब औरत, हमारे पास कितनी गरीब खवातीन है, जब हामिला हो जाती है तो काम नहीं कर सकती, मजदूरी नहीं कर सकती, मजदूरी कर कर जिंदगी गुजार रही है, उनके लिए एक वक्त का खाना मिलना भी बहुत बड़ी बात है। हुकूमत से मिल रहा है, दवाइयां मिलती है, दूध अंडा मिलता है, और उनको जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के लिए पैसे मिलते हैं, खर्च के लिए फ्री कराया जाता है, बच्चे के लिए पैदाइश से देकर उसे 6 महीने होने तक उसे भी दूध खाना वगैरह जो भी उसकी गजा है वो तमाम उसको मुहैया कराते हैं। ऐसी कई सैकड़ों स्कीमें हमारे पास मौजूद है, तो हमें चाहिए कि हमारे गरीब मोहल्लों में उस मस्जिद के मुतवली उनको मैं कल इसलिए मैं बात करना चाह रहा था, बनाना चाह रहा था कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने गरीब मोहल्ले के, आप उस आंगनबाड़ी को जाइए, आप पास अपने मोहल्ले का सर्वे करवाइए, सर्वे करवा के मालूम कीजिए कितने बेवाएं हैं, कितने गरीब हैं, कितने मिस्कीन हैं, कितने अपाहिज हैं आपके पास, उनकी लिस्ट पर बनाइए। ये आप पर फर्ज है काम करना, ये अगर नहीं करेंगे तो कयामत के दिन आप ये मजलूमी लाकर आपका गला पकड़ लेंगे, अल्लाह के पास इंसाफ मांगेंगे। ये लोग हमारे जिम्मेदार बन के बैठे थे, ये मुतवल्ली बन के बैठे थे, ये इमाम बन के बैठे थे, ये मेंबर बन के बैठे थे, इनकी जिम्मेदारी थी सब करने की, इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ गवर्नमेंट से भेजा था, हम लोग हमारी जिम्मेदारी थी लोगों को जिन तक पहुंच कर की मदद करने की, लोगों ने नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नबी को का कलमा पढ़ते हैं, नबी को मानते हैं, अगर हमारे हम ये नबी की उम्मत कहते हैं अपने आप को, तो हमें नबी की सुन्नत को भी पर अमल भी करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को हिजरत करने के बाद 3 अहम काम किए, 1 मस्जिद नबी की तामीर, अल्लाह का घर, वो सिर्फ नमाज के लिए नहीं था, इबादत का नहीं था, वो एक कम्युनिटी सेंटर था, कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर था, हर शख्स के लिए वहां पे उसके वेलफेयर का इंतजाम होता था, काम होता था। दूसरा, आपने एक फर्स्ट अखामती यूनिवर्सिटी, रेसिडेंशियल, फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कायम की, जिसके फारिगीन दुनिया को फतेह करने वाले कमांडर इन चीफ बनकर निकले, कमांडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जूरिस्ट, गवर्नर्स, दुनिया को तहजीब सिखाने वाले उस यूनिवर्सिटी से निकले, और हम उसे क्या बोलते हैं नाम देते हैं, उस सुफा का चबूतरा, वो चबूतरा नहीं था, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसके डीन, जिसके प्रिंसिपल, डीन, हेड, जो भी कहे आप, मुअल्लिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, तालीम भी देते थे, तरबियत भी करते थे। उस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाले बल्कि निकले, दुनिया को तहजीब इल्म सिखाने वाले निकले। तीसरा काम आपने किया थे, पहला काम वेलफेयर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद इबादत और वेलफेयर के लिए बनाई, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए। दूसरा काम आपने किया तालीम का, तीसरा काम आपने किया वो था सर्वे, लोगों को लोगों की मदद करने का रहा, तो पहला काम क्या करना, सेंसस सर्वे करना अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, सुन्नत नबी। आपने सही बुखारी की हदीस में बता रहा हूं आप लोगों को, बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बुजुर्ग तरीन सहाबी हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, कमांड दिया, आर्डर दिया
इस वक्त मदीने में कितने मुसलमान हैं उनका सर्वे करके मुझे रिपोर्ट दो। अभी सर्वे कौन सा? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। हजरत हुसैन अल्लाह ने सर्वे करने के बाद एक साल ही हुआ था मदीना आकर हिजरत करके, आपने रिपोर्ट दी। सही बुखारी की मैं कोट कर रहा हूं हदीस। आपने रिपोर्ट दी, उसमें आपने कहा कि 1500 उस वक्त मुसलमान थे अंसार और महाजर दोनों मिला के, रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री सीरत में 1500 मुसलमान थे। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया। एनालिसिस भी, डाटा एनालिसिस हुआ। डाटा एनालिसिस ने यह बताया कितने बेवाए हैं, कितने यतीम बच्चे हैं, कितने माजूर है, उसकी लिस्ट बनाई गई। और उसके बाद तय किया उनको पेंशन, उनको रोजाना रोजीना क्या दिया जाए, उनको मदद कैसे की जाए, तो किसको किस फैमिली को कितनी मदद जरूरी है उतनी मदद उनके घरों तक ले जाकर पहुंचाई जाती थी। मस्जिद के सामने गुलाब को खड़ा करके बांटते रहे थे, फोटो लेकर व्हाट्सएप पे डालते रहे थे। मदद उनके घरों तक पहुंचाई जाती थी और उनको कभी कभी मालूम ही नहीं होता कौन लाकर देके गया रात में बोल के। उनके खाने का पीने का रहने का सामान, ये थी हुजूर की सुन्नत। अगर हम मुसलमान हैं, हुजूर का नाम लेते हैं, उनका कलिमा पढ़ते हैं, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम सिर्फ बातें करते रहोगे, चीखते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई तुम्हारी पुरसाने हाल नहीं होगी। ये पहले अपने मोहल्ले में काम करो। हम अपने तरीके से, अपने ज़कात से, सदकात से जो कर सकते हैं वो अलग बात है। इससे बड़ा काम जो गवर्नमेंट का बजट है, ये हमारा ही पैसा है, आपका पैसा है, आपके टैक्स से जो गवर्नमेंट चल रही है, आपके टैक्स से बजट बना है, ये हमारा ही पैसा हमको दिया जा रहा है। हमारी आबादी जितनी है उससे उतना पैसा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हमारा 3.5 लाख करोड़ का बजट है कर्नाटका का, 3.5 लाख करोड़। हमारा कितना बजट है, माइनॉरिटीज को कितना दिया है गवर्नमेंट ने, किसी को पता है? 3 करोड़, 30 करोड़, 3,000 करोड़, 3,200 करोड़। अब करीबन 3.5 लाख करोड़ में से 10% कितना होता है? 30,000 करोड़। हमें कितना दिया गया है? 1% दिया गया, वो भी हमारा पैसा है। हमको जितना मिलना चाहिए था उसमें का 1% मिल रहा है, और उस पर भी फखर यह है कि हमें 3,000 करोड़ देना हमें माइनॉरिटीज को बोले। अब ये देकर भी हम उसमें से कोई फायदा हासिल नहीं कर रहे हैं। ये पैसा लेकर हम लोग, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाकर खड़ा कर दिए करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे बच्चों की तालीम के लिए, रेसिडेंशियल स्कूल बनाए, मौलाना आजाद स्कूल बनाए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद स्कूल बनाए हैं, मुरादी रेसिडेंशियल स्कूल बनाए हैं, 314 हॉस्टल बनाए हैं मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, सबको मिलाकर 314 हॉस्टल से हमारे बच्चे बच्चों के लिए, और बहुत सी सहूलियात क्रिएट करे हैं, मगर हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है। मैं ये काम शुरू किया, हर जगह जाना, लोगों को जमा करना, मालूम हासिल कराना, और हमारी कोशिश है कमीशन की तरफ से कि हर बड़ी मस्जिद में, शहर के कम से कम 2-4 बड़े मस्जिदों में, जामिया मस्जिद में खुसूसन एक बड़ा बोर्ड, ऐसा बड़ा बोर्ड लगाना, बोर्ड में पूरे स्कीम्स क्या क्या है गवर्नमेंट के डालना, उसमें उसके कोड अफसर जिले का इंचार्ज है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, वो सब तफसील देकर कम से कम लोग जो मस्जिद को आते हैं उनको बता तो चलेंगे हमारे पास क्या स्कीम होगी, किस काम के लिए, क्या हर काम के लिए स्कीम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का नहीं है ये पैसा, हमारा पैसा है, हमको इस्तेमाल करना चाहिए, हमको हासिल करना चाहिए, हम कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सी बातें हैं, ये जो स्कीम्स वगैरह ताल्लुक है उसे हम लोग एक किताबी शक्ल में, पैम्फलेट की शक्ल में, उर्दू में, इंग्लिश में बनाकर आपके, अभी कल मुझे खवातीन ने मैंने पूछा कि ये स्कीम्स को कैसे हम आप तक पहुंचाए, आप तो मस्जिद में नहीं जाते, औरतों को तो हमें मस्जिद में नहीं बुलाते, अब उनको कैसे पहुंचे, मस्जिद तो लगा दी, तुम आते नहीं मस्जिद को, तो उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिए कल कि सर हम लोग गरीब हैं, हमारे गरीब मोहल्लों में रहते हैं, हमारे पास आंगनबाड़ी है,
आंगनवाड़ी स्कूल को आप पहुंचा दिए तो मैं वहां से हासिल कर लेते। तो अब ये भी मशवरा कल अच्छा था खातिन की तरफ से, तो हम लोग इसको छाप कर प्रिंट करके ये सब स्कीमों का छोटी छोटी तफसील ये सब हम लोग आंगनबाड़ियों को भी तकसीम करेंगे, मस्जिद में भी इसको हम लोग बोर्ड शक्ल में बनाकर रखेंगे लगाएंगे, ताकि लोगों को कम से कम उनके मस्जिद को कम से कम जुमा को तो जाते हैं हमारे लोग, इसको देखने को जाएंगे कि क्या हुकूमत में स्कीमें हैं, क्या मिल रहा है, किस वक्त क्या चल रही है स्कीम, ये तमाम चीजें आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसका इस्तेमाल करें, हमसे भी पूछे, लोगों से भी पूछे, अफसर के नंबर ले, किसको कॉन्टैक्ट करके कैसे हासिल किया जाता है, सब काम करें, वो सी चीजें हैं, मैं आपको आगे ले चलता हूँ जब देखते रहिए क्योंकि वक्त नहीं है। एक दूसरी चीज, हेल्थ कार्ड बीपीएल कार्ड वालों को 5 लाख की हेल्थ की स्कीम है, आरोग्य भाग्य कहते हैं उसको, आप सब जानते होंगे बीपीएल कार्ड रहा तो आपके ऑपरेशन हो जो भी हो सब काम हॉस्पिटल में आसानी से हो जाते हैं। उसी तरह से एक और हेल्थ कार्ड है जिसे यशस्विनी कार्ड कहते हैं, जो आप लोगों को मालूम होगा यशस्विनी हेल्थ कार्ड, उसमें भी 5 लाख की मदद होती है, फ्री ट्रीटमेंट होता है। ये कार्ड हासिल करने के लिए शहर में रहने वालों के लिए भी, आमदनी ज्यादा रही तो भी गरीब होने की जरूरत नहीं, सबके लिए भी, मिडिल क्लास वालों के लिए भी, दूसरे के लिए भी, तमाम आवाम के लिए सहूलत मौजूद है, उसके लिए उनको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना चाहिए। सोसाइटी का मेंबर बन गए तो उनको ये यशस्वी कार्ड को अप्लाई करके ले सकते हैं। सोसाइटी का मेंबर आप भी, जितने लोग बैठे हो सब भी बन सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। हमारे उलमा इकराम वगैरह जो ये इसके इसके मेंबर बन सकते हैं, सोसाइटी बना ले अपने अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, या गोला में 1-2-3 सोसाइटीज बना ले, उसके मेंबर बन जाए, 3 महीने उसके मेंबर रहे तो 3 महीने के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको एक यशस्वी कार्ड मिल जाएगा, तो आपको 5 लाख बीपीएल कार्ड की जो सहूलतें हैं वो आपको हासिल हो जाएगी, चाहे वो आपकी आमदनी का सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो सोसाइटी बनाने के लिए एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले हमारे यहाँ पे अफसर मौजूद है KMDC के, ये तमाम लोग आपको मदद करेंगे। आप ये ऑफिस तो जानते हैं या लोकल है, लोकल के ऑफिस है, आप यहाँ जाइए, यहाँ जाकर इनसे बात कीजिए, ये आपको वहां पे मदद करेंगे। सोसाइटी बना लो, सोसाइटी बनाने के बाद इसको, इस सोसाइटी बनाने की जिम्मेदारी यशस्वी कार्ड के लिए, तमाम के लिए, उमा के लिए भी, सबके लिए भी बनाइए। अब यहाँ पे जो मौजूद है लोग, कौन इसके बारे में जानता है सोसाइटी बनाने के लिए, चला रहे तो ये काम आप तमाम लोगों के लिए एक सोसाइटी बनाकर, उनको मेंबर्स बनाकर करा सकते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमने करीब 3,000 ऑपरेशन किया गया है और मेंबरशिप भी हमारा करीब 1,200 मेंबरशिप है। ये हिसाब से हमने करीब 8 साल से चला गया है, बहुत से लोगों को मालूम है। अभी इसमें सिर्फ 8,000 मेंबर हैं तो मुसलमान आपके कोलार में ही करीबन कितने होंगे घर, 90,000 का मतलब 1,00,000 का मतलब होगा कम से कम एक 20-25,000 घर हैं। 20-25,000 घर सिर्फ कोलार में है तो जिले में कितने होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका मेंबर चाहिए। सोसाइटी का बनाइए, नई सोसाइटी बना लीजिए अपने नाम से, कोई 100-200-300 लोग मिलकर एक सोसाइटी बना ले तो ये आसानी से काम हो सकता है। कोई जिम्मेदारी ले, ये सोसाइटीज बनाकर सबको इसमें इन्वॉल्व करना, एक ही सोसाइटी है ठीक है, अब उसके साथ और सोसाइटी बनाकर उसके मेंबर बन गए तो उनको ये कार्ड लेना आसान हो जाएगा। बनाने का तरीका लोगों को बताकर अपने मोहल्ले में एक एक एरिया में एक सोसाइटी बना दिए तो बहुत फायदा होगा इसका। इसकी कोई जिम्मेदारी कोलार के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी ले सकता है, एक एक जगह मोहल्ले की, अपने मोहल्ले की कम अज कम एक जिम्मेदारी। कैसे बनाना है उसको इंशाल्लाह लोग आपको ट्रेन करने के लिए कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, आप लेंगे, आप जरा अपना नाम दिखा दीजिए ताकि आपको हम कॉन्टेक्ट करके वो बनाने वालों को आपके साथ मुंसलिक कर देंगे। एक कहीं भी, कहीं भी मोहल्ले में भी बना सकते हैं, वार्ड में भी कर सकते हैं, वार्ड में कहीं भी बनी हुई है वो खाली डिस्ट्रिक्ट कोलार में बनाई है, दूसरे तालुकों में भी बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ भी बना लो आप, कोई बात नहीं, छोटा मामला है वो। आगे जो बनी हुई है वो यहाँ कोला डिस्ट्रिक्ट में खाली बनाया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, हर तालुक में हमारे डायरेक्टर्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक में हम बनाया है, हर तालुक में हम एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। मेंबर बने उसके तो उनको फायदा होगा, खाली मेंबर बनने का काफी है, सिर्फ मेंबर। आप कह रहे हैं कि हर मोहल्ले मोहल्ले में बनाए जा सकते हैं, तो उसका फॉर्मेट हमने जरूरी है ना, मुझे बता रहे हैं वही वही आपको बताने जा रहे हैं, अब जरा बंद कर लीजिए माइक, बताएंगे आप फॉर्मेट साहब। एक मिनट है, और ये तालुक सोसाइटी जो है ना, हर तालुक में रहती है, गवर्नमेंट की तालुक सोसाइटी जो रहती है, आप उसमें भी जाके बना सकते हैं। देखिए ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये छोटा काम है सोसाइटी बनाना। हम आपको कॉपी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को जो बनाना चाहते हैं इसलिए नाम दे दो, उनको जमा करके ऑफिसर के साथ हम लोग जोड़ देंगे, ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ट्रेनिंग देने का मसला नहीं है, यहाँ सिर्फ मालूमात देने का बात। शहीन शाह नगर से जी, शहीन शाह नगर से अयुब पाशा, शहीन शाह नगर। एक मिनट जरा कोई तो नोट कर रहे, खुतुब शहीन शाह नगर अयुब पाशा है, उनको आप जरा अपने दो तीन नाम दे दीजिए, बाद में जाते हुए आप जो करना चाहते हैं उनको, हमारे वक्फ ऑफिसर है यहाँ पे शम्स, उनको आप नाम दिखा दीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यशस्वी कार्ड मिल जाएगा आपको, जो बीपीएल कार्ड है वो तो आप जानते हैं। एक है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर कार्ड, लेबर कार्ड कहते हैं, लेबर कार्ड, हमारे गरीब आवाम जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मेस्त्री है, बिल्डिंग बनाने के फाउंडेशन से लेकर पूरी कंप्लीट होकर पेंटिंग तक जो भी काम करता है, चाहे वो पेंटर हो, कोई भी काम करने वाला बिल्डिंग के, वो तमाम लोगों को एक कार्ड बनाया जाता है, उसे लेबर कार्ड कहते हैं। वो लेबर कार्ड नहीं है, वो उसका नाम है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर कार्ड। ये कार्ड उन लोगों को बनाकर, उनको बना नहीं सकते, उनको मालूम नहीं है, आप में से लोग उनकी मदद करें, उनको बताएं, तो ये कार्ड मिल जाए उनको। कार्ड लेने के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर एक उनको लेटर देना है कि ये आदमी मेरे पास मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, पेंटर का काम कर रहा है, प्लम्बर का काम कर रहा है, उनको एक लेटर दे दिया, तो बस वो लेटर उनको अपलोड करके ऑनलाइन जाकर खुद उसका अपना कार्ड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जनाब, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर जो कार्ड बनाकर हैं, जो शादी के बाद जो स्कीम आती है 50,000 की, वो ले नहीं पा रहे हैं, जो वर्क वहाँ पर जो कंडीशंस आते हैं, तो ज़रूरी है कि सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर लाएं, तो इस वजह से वो स्कीम नहीं ले रह पा रहे हैं। ठीक है, शादी की बात है, शादी की बात, उससे पहले की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या फायदे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ तफसील में दिखाई दे दीजिए आपको, थोड़ी सी मैं बताऊं। कंडीशन है 18 साल से 60 साल तक का आदमी या औरत हो या मर्द हो, कोई भी ये कार्ड ले हासिल कर सकता है, तो काम कर रहा है। आम तौर पे हमारे पास जो झोपड़पट्टियों में गरीब लोग हैं, ये तमाम लोग इसके मुस्ताक होते हैं, ये काम करते रहते हैं छोटे मोटे, उनको ये कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हो, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर हो, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हो, एक लेटर दे दे, तो ये काम उन लोगों का आसानी से आपके घर में काम करने वालों का भी काम बन सकता है। इनको एक कार्ड मिल गया, इतनी सहूलतें हैं उसमें, उनको पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट में सर्विस में काम करने वालों को जैसे पेंशन मिलती है, 60 साल के बाद वो लेबर को भी पेंशन मिलती है 3,000 रुपए महीने को। अगर उन इत्तेफाक से मर गया, डेथ हो गई, तो उसकी बीवी को 1,500 रुपए महाना पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है लेबर को, मिस्त्री को, पेंट करने वाले को, ये सहूलत मौजूद है, गवर्नमेंट में रहने वालों को मिलता है, मगर ये लेबर को भी, उसका कोई गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उसकी जो लेबर है, हुकूमत उनको मदद करने को आगे बढ़ी है। इतना ही नहीं, मैं आपको कई चीजें बताने जा रहा हूं। एक्सीडेंट हो गया, 2,00,000 रुपए उनको मिलते हैं कंपनसेशन। मेडिकल असिस्टेंस, उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो रोजाना 300 रुपए एडमिट हो गया, तो हॉस्पिटल में बुखार आ गई, कुछ हो गया, कुछ उसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा, ये हुआ, एक दो तीन दिन है, तो उसे रोजाना 300 रुपए उसे हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जहां भी रहता है उसको, उसके पैसे भी लेंगे 20,000 तक, तो उसको उसकी मदद मिलेगी। ऐसा ही बच्चे की पैदाइश के बाद
उसे बच्चे को एक साल होने तक 500 रुपए बच्चे के नाम पे, बच्चे की माँ के नाम पे 500 रुपए उसको मिलते रहेंगे। बेनिफिट उसे दो बच्चों के लिए 50,000 रुपए तक की मदद मिलती है बच्चे की पैदाइश के बाद। मैरिज असिस्टेंस, अभी हमारे दोस्त बता रहे थे 60,000 रुपए मैरिज एक्सपेंसेस को मिलता है शादी में, मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो यहाँ के डीसी है अकरम पाशा, वो खुद लेबर कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने बहुत सी स्कीमें चालू कराई है। अब उनके जाकर मुलाकात कीजिए, फिर आपका मसला हल करेंगे। मसला ये है कि सब रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बना कर लाए, जो वक्फ बोर्ड की जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो नहीं एक्सेप्ट करते, वो वही मसला है। डिस्कस कीजिए डिप्टी कमिश्नर यहाँ के, अब उसे डिस्कस कीजिए, हल निकाल के देंगे, चाहे वो सब रजिस्ट्रार का हो चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, करा के देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आपको अगर अपाहिज हो जाता है तो उसको 2,000 रुपए पेंशन मिलती है महीने को, कुछ रगड़ा हो गया, कुछ हाथ में चोट आ गई, कुछ जो भी हो गया, तो उसके साथ उनके लिए भी इंतकाल कर दिया तब 4,000 रुपए उसे तकलीम के लिए अखराज के पैसे मिलेंगे, उसे मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगी, बहुत सी चीजें हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप, मजदूर के बच्चों को इतनी स्कॉलरशिप है, आप देख लीजिए वहां पे पहली क्लास से लेकर उसे पीएचडी करने तक उसे स्कॉलरशिप है, मजदूर के बच्चे माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप अलग है, लेबर के लिए खुद अलग स्कॉलरशिप मौजूद है, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। अब ये आसान काम है, मैं इसीलिए कल ही पूछ रहा था कि हमारे पास कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, वाटर कनेक्शन दिलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, प्लम्बिंग होते हैं, ये लोग अगर जमा होकर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर गरीबों के इन तमाम को एक लेटर देकर एक जगह ई सेवा सेंटर में जाकर उनके फॉर्म अप्लाई करको, उनका डाउनलोड करको, दो अप्रूव होने के बाद आ जाता है। कम से कम एक मोहल्ले में, कौन सा सबसे गरीब मोहल्ला कौन सा है कोना शहर में, गरीबों का मामला स्लम 50% है सर, कौन सा है, अंसार मोहल्ला है, अंसार मोहल्ला, अंसार नगर है, मैं एक मोहल्ले की बात पूछ रहा हूँ, अंसार मोहल्ला, अंसार मोहल्ला, अंसार मोहल्ले की कौन जिम्मेदारी, कौन कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर जाकर वहाँ ये जो काम करने वाले गरीब है उनका लेबर कार्ड बनाकर देना है, कैसे बनाना है हम बताकर देंगे, हमारे अफसर जाकर आपको गाइड करेंगे, उस मोहल्ले में जाना, उन लोगों का डाटा कलेक्ट करना, उनके लेटर देना और लेटर देकर उनको लेबर कार्ड बनाना। इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी ले सकता है, अब सब जिम्मेदार है, जिम्मेदारों को ये बुलाया गया है। तो ये मोहल्ले के अंसार मोहल्ले की बात हो रही है, शहीन शाह नगर के बगल में ही लगता है अंसार मोहल्ला, तो मैं भैया से बात करता हूँ उसके बारे में, शहीन शहर के बाजू से अंसार मोहल्ला, आप जिम्मेदारी लेना, ये पूरे एक मोहल्ले की कर, तो हमने ब्लॉक ऐसे बात ही हमने काम हुआ तो देखकर खुशी होती कि भाई कुछ काम करे लोग, कुछ लोगों की मदद हुई, गरीबों की मदद हो गई, उनको एक लेबर कार्ड बन गया, अपनी तमाम सहूलतें उनको मिल जाती है, तो उनको दिलाना भी करेंगे इंशाल्लाह। हेलो, तो लेबर कार्ड